पापा ने एक नए कॉन्सेप्ट से शुरू किया विच वॉज मॉडर्न ट्रेड. मीन्स कस्टमर आते हैं, ट्रॉली लेते हैं, सामान अपने आप पिक करके अपनी ट्रॉली में डालते हैं. वो राशन की और परचूने की दुकान की तरह नहीं होता है यहाँ पे कि वो निकाल देना वो निकाल देना. इट इज वेरी बेसिक एंड सिंपल. यू कम इनसाइड एंड शॉपिंग. कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने की लगन हो तो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता. आइए जानते हैं आज बरेली के ऐसे ही किप्स की कहानी मिस्टर ऋषि की जुबानी. आइए. Hi, this is Rishi Khandelwal and we are the owners of Kips Sweets and Supermarket in Bareilly. तो हमारे जो परदादा जी थे उन्होंने ब्रांड स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 100 साल पहले. उसके बाद उस एक दुकान से जो बड़ा बाजार में थी उससे काफ़ी और बिजनेसेस आए, काफ़ी और आउटलेट्स भी खुले किप्स के. 1993 में मेरे फादर ने ये दुकान खोली बाय द नेम ऑफ किप्स स्वीट्स सुपरमार्केट राजेंद्र नगर. सो बेसिकली जो ये मॉडर्न ट्रेड होता है ना, ये कॉन्सेप्ट मेरे फादर ही लेके आए थे इस शहर में कि यू गेट योर ट्रॉली, अपनी ट्रॉली से शॉपिंग जो करेंगे, सेल्फ पिकअप, लाइक आई कैन टच एंड पिकअप द प्रोडक्ट बाय माई सेल्फ. वो मेरे पापा ने इंट्रोड्यूस किया था. पापा ने इंट्रोड्यूस किया कि कीपिंग थिंग्स ऑन द शेल्फ और फिर लोग आके उसे खुद उठा के अपनी ट्रॉली में डाल. अच्छा ऋषि सर, आप ये बताइए कि किप्स की ऐसी कौन सी खास बातें हैं या क्या खासियत है जो इसको शहर के बाकी डिपार्टमेंटल स्टोर से अलग बनाती है? तो बेसिक थिंग जो हमारे स्टोर को सबसे अलग बनाती है दैट इज वैरायटी, कि एक छत के नीचे सारा सामान. अच्छा, आपकी क्या क्या कोशिशें रहती हैं जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हों किप्स स्टोर की तरफ? हम लोग क्या करते हैं ना कि हर 2 महीने में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं. तो एक जो सुपरमार्केट होता है वो एक डेली नीड का दुकान होता है, ठीक है. लेकिन हमने क्या किया है कि उस वांट को जरूरत बना दी. मींस आई वी मेड अ वांट इनटू अ नीड. एक प्रोडक्ट लॉन्च किया अभी हमने 2 महीने पहले. वो एक बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी है विच इज प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स. उन लोगों के लिए हमने स्पेशली सिर्फ उन मदर्स के लिए एक कुकी लॉन्च किया, उनका बेबी फूड लॉन्च किया, जो पोर्शन उन्हें मिलना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो लॉन्च किया. सो ये एक कुछ कुछ हमारी स्ट्रेटजीज रहती हैं कि हम नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज को अट्रैक्ट कर सकें. आजकल का जो ये दौर है डोर टू डोर डिलीवरी का, क्या किप्स भी ये सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं? ऑफ कोर्स यस. फ्रॉम पास्ट 27 ईयर्स जब से दुकान खुली है तब से डिलीवरी ऑन है, हम कराते आ रहे हैं. We don't promote it so much because we want कि customer आए, खुद shopping करें, देखे समझे. जैसा कि अभी आपने बताया था कि ये जो Kips store खोला था ये आपके forefathers ने खोला था, तो एक तब का दौर था और आज आप एक third generation है, तो आपको क्या क्या differences feel होते हैं? जमीन और आसमान का फर्क. Actually उस time पे जो उनका pattern था काम करने का वो अलग. जो variety आई है ना, अब जो भी नया बिजनेस लेके बैठता है वो इतना इतना तेज दिमाग का होता है कि हर तरीके का एक प्रोडक्ट निकालता है. एक डॉग क्या हेयर ब्रश तक निकाल सकता है आदमी. सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि जस्ट फॉर से कि वो एक सुपरमार्केट है तो भर दो दालें आटा वाटा मेन. हम उस अलग क्लाइंट के लिए भी सामान रख रहे हैं जो इसकी प्रोविजन स्टोर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे खड़ा है ओनर, यहाँ खड़ा है कस्टमर, यहाँ खड़ा है वो मांग रहा है ये दे दो. वो कितना ज़्यादा था पहले और अब सुपरमार्केट्स कितने ज़्यादा हो गए हैं पहले से, के दैट दे आर नॉट वांटिंग के प्रोविजन स्टोर हो, दे वांट अ सुपरमार्केट हो, कि कोई पर्चा ना दे, इशारे ना करे, बस आए पर्चा लेके आए, ट्रॉली ले, खुद निकाले, ले जाए. COVID-19 में हमने बाहर स्टोर के सर्कल्स बना रखे तो सो दैट पीपल कैन वेट इन 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे. 1.5 मीटर में हम लोग ने उनके लिए वेटिंग सर्किल्स बनाए. उसके बाद जब वो एंटर करते हैं तो हमने उनको अपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से उनका हाथ सैनिटाइज कराते हैं. उसके बाद हम उनका टेम्परेचर लेते हैं, ट्रॉलीज को साफ कराते रहते हैं, बास्केट्स को साफ कराते रहते हैं, और फिर जब करेंसी आती है हमारे पास तो हम उसको पूरा स्प्रे करते हैं. स्प्रे करके ही हम अपने
कैश ड्रॉअर में डालते हैं। कुछ जरूरी बातें जो बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जाती हैं, वो है परसिस्टेंस, एंड्योरेंस, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एज वेल एज द एम्प्लॉयज, कि आपका स्टाफ आपसे खुश है कि नहीं, क्या चाह रहा है, पर्सनल अटेंशन एंड एक विजन बहुत जरूरी है, एक विजन होना चाहिए। और सब चीजों का एक सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है डिटरमिनेंस, कि जहां तक आप डिटरमिन्ड हैं यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांट। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।